फाइलजिला का परिचय के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फाइलजिला के बारे में, फाइलजिला की विशेषताएं, फाइलजिला को कैसे इंस्टॉल करना है, फाइलजिला इंटरफेस, फाइलजिला के उपयोग से फाइलों को अपलोड एवं डाउनलोड करना, फाइलजिला क्या है। यह एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग नेटवर्क पर फाइलों और फोल्डरों को शेयर करने के लिए किया जाता है। यह उपयोग में आसान है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कार्य करता है। फाइलजिला की विशेषताएं FTPs, SSH और IPv6 पर FTP, FTP का समर्थन करता है। आसानी से फाइल ट्रांसफर के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का समर्थन करता है। फाइल नेम फिल्टर्स की सुविधाएं हैं। उपयोगकर्ता उन विशिष्ट फाइलों को फिल्टर कर सकते हैं जो उनकी शर्तों को पूरा करती हों। स्थानीय और दूरस्थ डायरेक्टरीज की तुलना के लिए डायरेक्टरी कंपैरिजन, बुकमार्क्स का समर्थन करता है। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu Linux OS वर्जन 14.04 का उपयोग कर रही हूँ। फाइलजिला वर्जन 3.10.2 और एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। Linux OS के बारे में सीखने के लिए कृपया इस वेबसाइट पर Linux स्पोकन ट्यूटोरियल देखें। Ubuntu Linux OS पर निम्न में से किसी भी एक विधि के उपयोग से फाइलजिला को इंस्टॉल किया जा सकता है। Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर या सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर पर जाएं, फाइलजिला की खोज करें और इंस्टॉल करें, या टर्मिनल में sudo apt-get install filezilla टाइप करें और एंटर दबाएं। किसी भी OS पर फाइलजिला इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका है कि https://filezilla-project.org पर जाएं, उस विशेष OS के लिए फाइलजिला क्लाइंट डाउनलोड करें। विंडोज OS पर डाउनलोड किए हुए सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करें और इंस्टॉल करें। मैंने पहले ही अपनी लिनक्स मशीन पर इंस्टॉल कर लिया है। फाइलजिला खोलें। Ubuntu Linux में अपने डेस्कटॉप के ऊपरी बाएं कोने में डैश होम पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में फाइलजिला टाइप करें। आप फाइलजिला आइकन देख सकते हैं। इसे खोलने के लिए इस पर क्लिक करें। विंडोज में स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फाइलजिला खोजें। सूची में फाइलजिला को खोलने के लिए इस पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से यदि आपके डेस्कटॉप पर फाइलजिला शॉर्टकट आइकन है तो केवल इस पर डबल क्लिक करें। फाइलजिला इंटरफेस ऐसा ही दिखता है। इसमें शामिल है ऊपर मेन्यू बार, शॉर्टकट आइकन्स बार, आमतौर पर मेन्यू आइटम्स के उपयोग के लिए, क्विक कनेक्ट बार, डिटेल्स पेन, लोकल साइट पेन, रिमोट साइट पेन, स्टेटस पेन। क्विक कनेक्ट बार में निम्न के लिए फील्ड्स हैं: होस्ट, जिसमें हम रिमोट लोकेशन IP या साइट एड्रेस का होस्ट विवरण प्रविष्ट करते हैं, यूजर नेम, जहां हमें होस्ट का यूजर नेम देना है, पासवर्ड, होस्ट यूजर के लिए पासवर्ड फील्ड, पोर्ट, संचार के लिए प्रोटोकॉल प्रकार, क्विक कनेक्ट बटन रिमोट लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए, अ ड्रॉप डाउन, इसमें पहले से कनेक्ट किए हुए लोकेशनों की सूची होती है, डिटेल्स पेन में रिमोट मशीन पर कनेक्टिविटी, तकनीकी विवरण और निष्पादित कमांड होते हैं, लोकल साइट पेन, यह हमारे सिस्टम का फाइल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है, रिमोट साइट पेन कनेक्ट किए हुए रिमोट सिस्टम का फाइल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है।
यह दोनों फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज करने और लोकेट करने में हमारी मदद करेंगे। स्टेटस पेन फाइल ट्रांसफर स्टेटस को प्रदर्शित करता है। इसमें तीन टैब है। क्यूट फाइल्स उन फाइलों की सूची दिखाता है जो ट्रांसफर के लिए लाइन में है। फेल ट्रांसफर उन फाइलों की सूची दिखाता है जिनका ट्रांसफर विफल रहा है। सक्सेसफुल ट्रांसफर उन फाइलों को दिखाता है जिनका ट्रांसफर सफलतापूर्वक हो गया है। आगे हम देखेंगे कि एक रिमोट सिस्टम को कैसे कनेक्ट करना है और किसी फाइल को इसमें कैसे ट्रांसफर करना है। होस्ट बॉक्स में मैं रिमोट मशीन आईपी एड्रेस टाइप करूंगी। आप उस मशीन का आईपी एड्रेस दे सकते हैं जिसे आपको एक्सेस करना है। उसके बाद रिमोट मशीन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड प्रविष्ट करें। 22 के रूप में पोर्ट टाइप करें और क्विक कनेक्ट पर क्लिक करें। आपको एक मैसेज मिलेगा अननोन होस्ट की। चेकबॉक्स पर क्लिक करें। ऑलवेज ट्रस्ट दिस होस्ट एंड दिस की टू द कैशे और ओके बटन पर क्लिक करें। डिटेल्स पेन में एक एक्सेस मैसेज आता है। यह पुष्टि करता है कि रिमोट मशीन और आपकी मशीन नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हैं। अगर मशीनें कनेक्ट नहीं होती हैं, तो कनेक्शन फेल्ड मैसेज आता है। आइए अब अपनी मशीन से रिमोट मशीन को एक फाइल ट्रांसफर करें। ऐसा करने के लिए सबसे पहले उस फाइल को ब्राउज करें जिसे आप लोकल साइड पेन में ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं अपने मशीन पर फोल्डर डेस्कटॉप पर जाऊंगी और sample.pdf सेलेक्ट करूंगी। फिर फाइल पर राइट क्लिक करना है और अपलोड चुनना है। स्टेटस पेन में आप फाइल ट्रांसफर स्टेटस देख सकते हैं। आपके नेटवर्क की गति के आधार पर इसमें कुछ समय लग सकता है। एक बार ट्रांसफर पूर्ण हो जाने पर प्रोग्रेस बार क्यूड फाइल्स टैब से लुप्त हो जाएगा। सक्सेसफुल ट्रांसफर टैब पर क्लिक करें। यहाँ हमारी एंट्री है। स्टेटस पेन प्रदर्शित करता है कि फाइल ट्रांसफर हो गई है। आइए देखते हैं कि किस लोकेशन में फाइल ट्रांसफर हुई है। डिफॉल्ट रूप से फाइलें उस लोकेशन में ट्रांसफर होती हैं जो रिमोट साइड पेन में खुला रहता है। यहाँ हमारी फाइल sample.pdf है। यदि यह नहीं दिखती है तो शॉर्टकट आइकन बार में जाएं और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। आगे हम सीखेंगे कि एक विशेष लोकेशन में कैसे अपनी फाइलों और फोल्डरों को अपलोड करना है। रिमोट साइड पेन में मैं फोल्डर डेस्कटॉप के लिए ब्राउज करूंगी। उसके बाद डेस्कटॉप फोल्डर में राइट क्लिक करना है और क्रिएट डायरेक्टरी को चुनना है। एक विंडो खुल जाती है। मैं डायरेक्टरी का नाम स्पोकन ट्यूटोरियल रखूंगी और ओके बटन पर क्लिक करूंगी। डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं कि स्पोकन ट्यूटोरियल फोल्डर बन गया है। अब आइए इसमें कुछ फाइल अपलोड करें। मेरे डेस्कटॉप पर intro.ogv नामक मेरी एक फाइल है। हम इस फाइल को अपलोड करेंगे। फाइल पर क्लिक करें। इसे रिमोट साइड पेन में स्पोकन ट्यूटोरियल फोल्डर में ड्रैग और ड्रॉप करें। हम ड्रैग और ड्रॉप विधि से यह राइट क्लिक करने के बाद अपलोड का चयन करते हुए फाइल और फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दें intro.ogv फाइल स्पोकन ट्यूटोरियल फोल्डर में अपलोड हो गई है। अब रिमोट मशीन से एक फाइल या फोल्डर को डाउनलोड करना सीखते हैं। ऐसा करने के लिए रिमोट पेन से फाइल को लोकल मशीन में ड्रैग और ड्रॉप करें। वैकल्पिक रूप से राइट क्लिक करें और डाउनलोड चुनें। अब स्पोकन ट्यूटोरियल नामक फोल्डर रिमोट मशीन से हमारे लोकल मशीन में डाउनलोड हो गया है। इसी तरह आप अपने मशीन से किसी भी रिमोट मशीन में आसानी से फाइलों को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल के समापन पर आ गए हैं। संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने फाइलजिला के बारे में सीखा।
FileZilla की विशेषताओं के बारे में, FileZilla को कैसे इंस्टॉल करना है, FileZilla इंटरफेस, FileZilla के उपयोग से फाइलों को अपलोड एवं डाउनलोड करना। लिंक पर दिया गया वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है, कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम कार्यशालाएं आयोजित करते हैं तथा ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। इस स्पोकन ट्यूटोरियल पर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया इस साइट पर जाएं, उस मिनट और सेकंड का चयन करें जिसके संबंध में आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। अपना प्रश्न संक्षेप में बताएं। स्पोकन ट्यूटोरियल टीम का कोई सदस्य आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।